हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सिस्टैक विजन। क्योंकि लास्ट जो हमारी सीरीज हमने स्टार्ट की हुई थी बैरिंग मोटर्स शाफ्ट साइज और शाफ्ट के स्टैंडर्ड्स से रिलेटेड, आज उसका दूसरा पार्ट है। और इसमें आज हम देखेंगे कि जी सेम शाफ्ट के ऊपर डिफरेंट बैरिंग्स लगाए जाते हैं, फिर उसके बाद बैरिंग अरेंजमेंट्स क्या होती हैं, फिर थर्ड है जी थ्री डिजिट्स बैरिंग्स क्या होते हैं। जैसे कि फर्ज करें 6 to 9 बैरिंग जो है, इसमें क्या शाफ्ट साइज क्या होगा, बोर साइज क्या होगा, ये सारी चीज़ें। और उसके अलावा थ्री साइज ऑफ ग्रुप्स क्या है, ये चीज़ हो जाएगी। और बाकी और बहुत से सवाल हैं, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, तो जुड़े रहिएगा एंड तक। चले चलते अपनी वीडियो। सत्ताईस हज़ार टाइप की बेरिंग एस के एफ मैनुफेक्चर कर दी है। इतने बेरिंग की स्पेसिफिकेशन अब याद नहीं रख सकते, मैंने भी देखना है ये कोई भी बेरिंग का। तुरम खान भी जो देखेगा ना वो बुक से ही देखेगा, जुबानी इतने बेरिंग की वेयर हाइट लोड कुछ भी नहीं याद रख सकते। ये देखिए इसमें हर चीज़ दी है, कितने आर पी एम पे मैक्सिमम चल सकता है, कितना लोड दे सकता है, इसका वेट कितना है, नंबर रखता है। सर एक क्वेश्चन मेरा भी है सर, एक वो स्टार बिल्कुल शॉप थी उसकी साइड पर उसकी बाउंड्री, उसके अंदर दो बैरिंग थी, ठीक है। ऊपर जो बैरिंग लगा हुआ था वो 72-13 का था, और जो नीचे बैरिंग लगा हुआ था वो 62-13 का, ठीक है। बाउंड्री का साइज भी सेम है, डाया भी सेम है, शॉप का डाया भी सेम है, लेकिन ये सिर्फ बेरिंग की टाइप चेंज है, बाकी सब जो है वो चेंज है। अब ये 72-13 वाला बेरिंग कौन सा बेरिंग होता है, टाइप बताओ। सर ये एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग होता है, और जो दूसरा कौन सा था 62-13, जो 62-13 जो होता है वो डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग होता है। अब जो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग होता है ये रेडियल लोड भी लेता है और एक्सियल लोड भी लेता है, लेकिन एक्सियल लोड एक साइड से लेता है, दोनों साइड से नहीं लेता है। इसके जो रेस वे का एंगल होता है वो एक साइड से होता है। अब एक साइड से आप अगर इसको लोड देंगे तो ये उसको अकोमोडेट कर लेगा, लेकिन दूसरी साइड से अगर आप इसको लोड देंगे तो उसकी गोली जो है वो गोली की स्पीड से निकल जाएगी बाइक, इसलिए इसको हम लॉक करते हैं। लॉक करते हैं हम इसको डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग से, क्योंकि उसके दोनों साइड पे कॉलर होता है। एक बेयरिंग हम ऐसा लगा देते हैं कि वो जो आपकी एक्सियल मोमेंट अगर थोड़ी बहुत है उसमें अगर एक्सपेंड करा है टेम्परेचर या कोई उसके ऊपर एक्स्ट्रा लोड पड़ा है जिसकी वजह से वो हल्का सा मूव करता है, तो उसको हम उसके लिए फिर एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग एक साइड यूज़ करते हैं, दूसरी साइड पे लॉक करने के लिए हम उसे डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग लगा सकते हैं। यही चीज़ होती है आपकी स्फेरिकल राउंड बेयरिंग में भी, एक साइड पे स्फेरिकल राउंड लगा होता है, दूसरी साइड पे लॉक करने के लिए कोई इसी तरह का डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग लगा होता है। यही सेम चीज़ आपकी एनयू बेयरिंग में भी होती है, जिसकी इनर रिंग बाहर आ जाती है, आउटर रिंग बाहर हो जाती है, वो इधर उधर तो मूव कर सकता है, लेकिन अगर दूसरी साइड पे उसको लॉक ना करें तो पूरी शाफ्ट से झूलती रहेगी। दूसरी साइड पे अगर आप ऐसा ही बेयरिंग लगा दें जो मूव करने की एबिलिटी होगी तो वो बेयरिंग झूलता रहेगा, वाइब्रेशन आएगी उसमें, तो ऐसे बेयरिंग को लॉक किया जाता है। और ये जो आप बेयरिंग बता रहे हैं ये पेयर में भी लगते हैं, फेस टू फेस अरेंजमेंट, बैक टू बैक अरेंजमेंट, टैंडम अरेंजमेंट, तीन किस्म के पेयर में भी लगते हैं। ये और किसी में क्वेश्चन हो तो यहाँ जहाँ तक हो तो बता दें, ले रहे हैं यहाँ तक। चलिए हम लोगों ने अभी तक शाफ्ट के साइज़ निकालना देख लिया कि बेयरिंग के शाफ्ट का साइज़ कैसे निकालते हैं, उसका क्या तरीकेकार है। डॉक्टर साहब आपके पास ये बुक पड़ी हुई है, होगी पड़ी, इस तरह की बुक पड़ी है यहाँ पर हर जगह पर मौजूद है, आप लोग एक दफ़ा से देख लें, देख लेंगे दो तीन दफ़ा यूज़ करेंगे। बल्कि एक शुगर मिल में मैं गया था, उसने इतना ज़बरदस्त काम किया हुआ था कि उसके जो बेयरिंग की रेंज है कितने 20-30 टाइप की बेयरिंग, इतना ज़्यादा भी नहीं होता। उसने क्या किया हुआ था, एक चार्ट मेंटेन किया हुआ था, उस चार्ट को बना के वो प्रिंट करवा के बाकायदा उसने फ्रेम करवाया हुआ, फ्रेम करवा के अपनी मशीन की बैक साइड पर लगाया हुआ। अब जिसने भी कहना है कि यार इस साइज़ मोटर का ये वाला मुझे शाफ्ट साइज बना दो, उसने पीछे देखना आप ये कितने इतने माइक्रोन बड़ी रखनी है वो शाफ्ट साइज। एक दफ़ा की वर्किंग है ये टर्नर की, जो मशीनिस्ट होते हैं उसके पास आ जाएंगे आप, ये लोग आपको नहीं कहेंगे कि शाफ्ट टाइट थी या शाफ्ट मजबूत थी।
ओके है यहाँ तक क्लियर है। एक बेरिंग है 629 का, 629 का फोर साइज क्या होगा उसका? फोर साइज होगा 9 मिलीमीटर। जो बेरिंग तीन डिजिट में होते हैं, ये छोटे बेरिंग होते हैं, 3 मिलीमीटर से 9 मिलीमीटर इनकी रेंज होती है, स्मॉल बेरिंग होते हैं, ये तीन डिजिट में होते हैं और इसमें जो लास्ट डिजिट होता है वो उसका बोर साइज होता है। लेकिन एक चीज़ याद रख लें, अगर बेरिंग UC 209 है या UC 204 है तो तीन डिजिट वाला बेरिंग नहीं है, या NU 204 है तो वो 204, वो 3 इंच नहीं है, ये 5 इंच है। नहीं, जो 3 इंच वाले बेरिंग है ये 6 से ही स्टार्ट होते हैं, 629, 624, 623, 603, इस तरह के बेरिंग होते हैं। और ये आमतौर पर ये गाइड रूलर्स, ये छोटे छोटे बेरिंग होते हैं, ये वहाँ पर ऐसी जगह पर तीन डिजिट वाले बेरिंग लास्ट डिजिट बोर साइज होते हैं। ठीक है, बेरिंग के बोर साइज निकालने के हमने अब तीन ग्रुप देख लिए, एक 3 इंच वाले बेरिंग, कुछ छोटे बेरिंग ये 3 मिलीमीटर से 9 मिलीमीटर होते हैं, उनका लास्ट डिजिट बोर साइज होता है। दूसरा ग्रुप जो हमने देखा वो हमने 00 से लेकर 17 तक, 00 पे 10, 12, 15, 17। तीसरा जो हमने ग्रुप देखा वो 04 से ऑनवर्ड, लेकिन इसी भी एक लिमिट है और वो है 96-96 तक आप तरफ दे सकते हैं। आखिरी के 2 इंच से अगर आ जाते हैं 96 तो वहाँ पे लग जाता है फुल स्टॉप, उसके बाद आप बेरिंग को ज़रब नहीं दे सकते 500। तो फिर बहुत बड़े बेरिंग आ जाते हैं, आपके यूज़ नहीं होते, लेकिन मैं ऐसी जनरल नॉलेज के लिए बता देता हूँ। उसके बाद जो बेरिंग का नंबर आता है वो ऐसे आता है, /3/500, जो स्लैश के बाद जो हिंसा है ना 500, ये 500 उसका बोर साइज, 505, 503, 510, 515, 530, ये फिर ऐसे उसके बोर साइज उसके अंदर लिखे हुए हैं, लेकिन ये फिर बड़े बेरिंग से। ठीक है, किसका यार अभी हम लोगों ने ये बाया बेरिंग चल रहा है सारा, ये बेरिंग को हमने कैसे डिमांड करना है, बेरिंग के नंबर होता क्या है, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होती है, उसको चेक कैसे करना है, उसके शाफ्ट का साइज कैसे बनाना है, अब ये सारी। वेलकम बैक, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और काइंडली अपने दोस्तों को, भाइयों को, और जो इस फील्ड से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्लम्बिंग या ऐसी चीज़ जहाँ पे बैरिंग्स का इस्तेमाल होता है, मोटर का इस्तेमाल होता है, डेफिनेटली हर घर में मोटर का इस्तेमाल, लेकिन आइडिया होना ज़रूरी है कि हमने क्या चीज़ डिमांड करनी है, क्या होती है, कैसे है, और सबको शेयर करें ताकि जितना नॉलेज फैला सकते हैं उसे फैलाएँ, क्योंकि इलम किसी के मिराज नहीं है, तो इसको इंशाल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ। और काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर लीजिएगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जो थर्ड टॉपिक है वो मोर इंटरेस्टिंग है, इन दोनों टॉपिक से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उसको देखना मत भूलिएगा, और इंशाल्लाह ताला जुड़े रहिएगा। ओके, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ओके, अल्लाह हाफिज़।